नमस्कार दोस्तों, नॉलेज जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी न्यू नंबर पे बिना नंबर को सेव किए व्हाट्सएप मैसेज किया है? आप में से बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने फ़ोन में किसी भी पर्टिकुलर नंबर को विदाउट सेव किए ही उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, मुझे ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि मैं नंबर को सेव नहीं कर सकता? अब होता क्या है कि आप व्हाट्सएप पर प्राइवेसी लगा के रखे रहते हैं, ओनली माई कॉन्टैक्ट्स, जैसे DPP लगा के रखे रहते हैं, स्टेटस पे लगा के रखे रहते हैं, लास्ट सीन पे लगा के रखे रहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक ऐसे इंसान को आपको मैसेज करना है, आप नहीं चाहते हैं कि वो आपकी DP देखें या आपका लास्ट सीन देखें या आपकी स्टेटस देखें। तो होता क्या है कि अगर आपको मैसेज करना है तो नंबर से भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप विदाउट नंबर सेव किए ही किसी भी नंबर पे SMS व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाना होगा। जैसे मेरे फ़ोन का ब्राउज़र है क्रोम, इसको ओपन करें। आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करें, और आपको उसके बाद करना क्या होगा, पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा उसको कॉपी कर लें। जैसे मैंने उस लिंक को यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ये लिंक है, इस लिंक को आपको कॉपी करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस लिंक को कॉपी करना होगा और इस लिंक को कॉपी करके गूगल में पेस्ट करना होगा। आप इसको कहीं और भी ले जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको छोटा सा एडिट करना होगा, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है +91 कंट्री कोड के साथ, उसके बाद जो XX लिखा है उस XX को हटा के आपको जिस भी पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है उस नंबर को यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मैंने इस नंबर को, इस लिंक को ऑलरेडी कॉपी किया है, तो मैं इसे ले जाके गूगल में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं ले जाके अपने ब्राउज़र में इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ रहा है एडिट करने के लिए, तो मैं इसको XX को डिलीट करके यहाँ पे वो नंबर डाल देता हूँ जिस पे मुझे मैसेज करना है। मैंने वो नंबर टाइप किया। नंबर टाइप करने के बाद आप सर्च करें इसको। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ब्राउज़र खुल के आ जाएगा। उस ब्राउज़र में एक लिखा होगा व्हाट्सअप से +91 प्लस वो नंबर, जिस नंबर को आपने टाइप किया है पर मैसेज भेजें। अब आपको करना क्या होगा, ये नीचे बस एक ग्रीन कलर का मैसेज भेजें लिखा हुआ है, ये आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप मैसेज भेजें पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे देखिए, आप मैसेज भेजें पर जैसे क्लिक किया, आपके आपको फ़ोन में आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और उस नंबर में आपको पहुँचा दिया जाएगा जिस पर आपको मैसेज भेजना है विदाउट नंबर सेव किए। जबकि आप विदाउट नंबर और किसी तरीके से विदाउट नंबर सेव किए आप ऐसे नहीं आ सकते हैं। तो आप इस पे मैसेज करना है आपको, आप जो भी मैसेज करना, जैसे मैंने हाय लिख के भेज दिया, तो हाय लिख के भेज दिया, ये मैसेज देखिए चला गया, उन्होंने देख भी लिया। आप कुछ भी भेज सकते हैं, फ़ोटो, कॉन्टैक्ट्स, जो भी आपको भेजना है आप कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे जो भी आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, आप ऐसे ही जो भी है ये तरीका इसको फॉलो करके आप किसी को भी बिना नंबर सेव किए अपने फ़ोन में मैसेज भेज सकते हैं। अब होगा क्या, आपने मैसेज भेज दिया, जैसे इनका मुझे DP शो कर रहा है, लेकिन आपका DP उनको नहीं शो करेगा। अगर आपके फ़ोन में प्राइवेसी लगा रहेगा तो आपके DP उनको नहीं शो करेगा। आपका स्टेटस, जैसे इनका दियर आई एम यूजिंग, इन्होंने कोई स्टेटस नहीं लगा के रखा है, तो ये जो स्टेटस है वो स्टेटस आपका नहीं देख सकते हैं। ये अभी ऑफलाइन हो जाए, मैं अगर ऑफलाइन हो जाऊँगा तो ये मुझे नहीं देख सकते हैं कि मैं कब सीन था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में प्राइवेसी लगा के रखा है लास्ट सीन का, जो मेरे माई कॉन्टैक्ट्स में हैं, सब माई कॉन्टैक्ट्स सेलेक्टेड है। तो अब होगा क्या है, मेरे नहीं देख सकते हैं। आप भी अगर चाहते हैं किसी को, ऐसे पर्टिकुलर इंसान को मैसेज करना जो उसको आप अपने DP और अपने लास्ट सीन, अपना स्टेटस नहीं शो करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।